वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हैदराबाद बर्ड्स। जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, वो थोड़ा सा मैं ट्रेनिंग के हवाले से भी बताऊंगा, और ये कुछ चेंज मैंने किया है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये मैंने लोहे की बनाई है। लोग लकड़ियों के बनाते हैं, मेरे पास लोहे पड़ा हुआ था ये सरिये, तो इन सरियों की मैंने बना दिया है। ये इनके बैठने के लिए जो है अरेंजमेंट इन्होंने कर दी है। ठीक है दोस्तों, ये अंदर से भी थोड़ा सा व्यू ले लें। ठीक है, और ये जो है इनके बैठने के लिए जगह बना दी। अब यहाँ पे इंशाल्लाह हम पट्टे कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो उन्हीं को जो है यहाँ पे बिठाया करेंगे, सारे पट्टे यहीं बैठेंगे। और जो ट्रेनिंग के हवाले से वो भी बताता हूँ। जी दोस्तों, तो बात आती है ट्रेनिंग की, तो कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप पट्ठों को दो चार दिन आप नीचे छोड़ें पर बांध के। ठीक है, मैं तो छोटे ही बच्चे छोड़ देता हूँ ताकि वो हिल जाएँ। और एक पट्ठा ये रहा जो हमारे पास उड़ता है। ठीक है दोस्तों, और इनको दो चार दिन छोड़ें, उसके बाद थोड़ा सा देर इनको बैठने दें, फिर ये खुद ही उड़ेंगे आएंगे, और उसके बाद इनको छोड़ दें। ठीक है दोस्तों, एक बच्चा जो है हमसे निकल गया है, तो अब ये बच्चा जो है ये सेट है। उसके बाद आपके कबूतर की ब्रीड के ऊपर भी होता है कि वो किस ब्रीड का है, माँ बाप कैसे हैं, उसके बाद जो है उसका सारा पता चलता है कि वो अच्छे कबूतरों में से है या नहीं है, वो घर आने वाला है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यही सारे मामलात होते हैं। अभी ये थोड़ा सा ऊपर जाता है तो दिखाते हैं। जी दोस्तों, तो ये उड़ रहा है। ठीक है, और इसके साथ का जो पट्ठा था वो सुबह सुबह 6 बजे का टाइम था, ये लोग उड़ रहे थे, उड़ते उड़ते वो ऊपर निकला। ऊपर निकलने के बाद जो है पता नहीं चला क्या इशू था कि क्यों निकला। और जब भी कबूतर खोलें तो आप दो चार पर कटे या आपके छोटे बच्चे हिले हुए वो नीचे रख दें, नहीं भी हिले हुए तो आप तेज पर उनको बिठाएँ, ताकि जो उड़ने वाला कबूतर है वो घर भूले ना। घर भी देखा हुआ था, पता नहीं क्या इशू था, बादल हो रहे थे उस वजह से बहुत ऊपर चले गए थे ये लोग, तो इसलिए वो आया नहीं। ठीक है दोस्तों, बाकी ये पट्ठा ये उड़ रहा है, और बाकी ये नीचे बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, ये उड़ रहा हमारा पट्ठा, और ये नीचे दो बैठे हुए हैं। जी दोस्तों, तो रही बात ये कि हमें बच्चे किस उम्र के बाहर निकालने, तो ये बच्चे देख लें, आई काट लिया। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हों को आपने बाहर निकालना है ताकि ये जगह देखें। ठीक है, ये देखें, ये छोटे छोटे बच्चे जो है ना, यही आपने बाहर निकालने हैं। ये बड़ी ज़ोर से काटा है, ये देखें, ये काटता ही है हमें, ये लड़ता है मुझसे। तो छोटे छोटे बच्चे आपने ये ऊपर बैठ गया, ऊपर नहीं बैठने देना इनको, ते पे बिठाना है नीचे, ताकि ये घर वगैरह देखें अपना। ठीक है दोस्तों, देखें बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, ये इनको निकाल दिया है बाहर। इस तरीके से जो है इनकी ट्रेनिंग करें आप। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे ही बाहर निकलेंगे, कहीं दीवार पर आगे पीछे बैठेंगे, उसके बाद जो है ये सेट होंगे इंशाल्लाह, स्लो स्लो। ठीक है दोस्तों, हाँ हमारा आ रहा है। ठीक है, इसके साथ उड़ने वाला कोई नहीं है, वरना अच्छी टाइमिंग करते हैं माशाल्लाह। ये देखें, अब ये भी उनको देख के वहीं जाएंगे, मगर इनको हमें वापस बुलाना है इस तरफ, ताकि ये नीचे बैठे हैं, हमारा पट्ठा नीचे आए। ठीक है, अभी तेज खुली भी है तो कबूतर पक्के हो रहे हैं, अभी इतना बड़ा इशू नहीं है, देखें वहीं जाके बैठेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।